अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मैंने जो परिंदों को है दाना वगैरह डाल दिया, ये सभी खा रहे हैं। मोरों को केज में बंद कर दिया और बड़ी डक्स को भी बंद कर दिया। और अब मैं छोटू गैंग को जो है उसको भी बंद करता हूँ, क्योंकि वो जो है मुर्गियों को बहुत तंग करते हैं। ये देखो, मैं इनके केज का दरवाज़ा खोल दूँ। यार ये जो वाइट वाला बगतू है ना, इसका वो जो मैंने पाँव बांधे हुए थे वो गए हैं, खुल गए हैं। तो ये अब फिर मुर्गियों को तंग करने लग गए। तो मैं अब इनको बंद करके, तो फिर बाद में इसके जो है वो रस्सी तो इसके पाँव में ही फिर रही है, तो मैं इसको दोबारा जो है ना वो बांधूंगा, क्योंकि जो है ये मुर्गियों को बहुत तंग कर रहा है अब फिर। तो इनको भी मैंने दाना वगैरह खिला दिया, वाइट तीतरों को भी अभी अभी बंद किया है, बाहर फिर रहे थे। फिर मैंने आटा वगैरह इनको दे दिया, ये मेल फिर रहा है। फीमेल वो पिंजरे के दूसरी साइड पे जो है अंडों पे बैठी हुई है, कुड़क हुई हुई है, वो शायद आपको नज़र आ रही होगी। तो तीन अंडों पे बैठी हुई है, ये कुड़क हुई हुई है। तो मेल इधर परेशान खड़ा हुआ है, ये वेट कर रहा है। और ये जो हमारे खुमरे हैं, ये देखते हो ना, इसकी आँख फिर ख़राब हो चुकी है। मैंने अब मेडिसिन मंगवाई है, वो मैंने डाली है पानी के अंदर मिक्स करके, आप सभी परिंदों को दी है, क्योंकि जो है मुर्गियों भी को भी बुखार वगैरह हो रहा है, तो इसलिए मैंने दवाई मंगवाई है। अब इनको दे रहा हूँ मैं मेडिसिन वगैरह, तो अल्लाह खैर करेगा। और हमारे जो ये कबूतर हैं, ये बिल्कुल जो है कुरीज बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं माशाल्लाह। पाँव की जो पामोज वगैरह वो चेक करो कितनी बड़ी हो चुकी है। अभी कुछ नहीं इन्होंने गिराई, कुछ गिरा के नहीं निकाल ली है। तो ये तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर ये मुकम्मल कुरीज करके ये फिर दोबारा अंडे देने शुरू कर देंगे। तो ये जो हमारी थाई मुर्गी है, ये पहले दूसरी साइड पे तीन अंडों पे कुड़क हुई थी, अभी उठी है, उठ के ये गई है बाहर दाना वगैरह खाया है, दूसरे केज में आ गई, जिस केज में मुर्गी के नीचे एक अंडा था वो अंडा अपने नीचे लेट के बैठ गई है। तो अब मैं इसको इसकी अंडों पे जाके बिठाता हूँ। ये देखो, ये तीन अंडे हैं इसके, ये हैं आपके अंडे, दूसरों के अंडे पे कब्जा कर रही हो। बैठ जाओ इधर, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये आपके ही अंडे हैं। तो इधर हमारी एक मादी अंडे दिए हुए थे, मुझे लगता है मुर्गियों ने जो है तोड़ दिए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आपके अंडे हैं। तो इनको मैंने खिला पिला दिया। यार मुझे लगता है ये दोनों मेल बन रहे हैं, ये भी मेल बन रहा है और ये भी मेल बन रहा है। मुझे लगता है ये दोनों ही मेल हैं, शायद हो सकता है ये फीमेल बने, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हो रही। ये तकरीबन एक दो माह के बाद मुकम्मल कन्फर्म हो जाएगी, जब ये अपनी कुरीज वगैरह पूरी कर लेंगे ना। और आप लोगों ने भी बताना है ना भाई, ये दोनों मेल हैं या मेल फीमेल हैं, ये दोनों मेल हैं या क्या है। ये तो कन्फर्म मेल है ना, बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, लेकिन इसका अभी कन्फर्म नहीं हो रहा ये मेल है या फीमेल है। ये तकरीबन एक दो माह तक ये कन्फर्म हो जाएगी। अगर दोनों मेल बनते हैं तो फिर दो फीमेल है, हमको हमें और लेनी पड़ेंगी। तो गाइस, मैंने जो हमारे सराजी कबूतर हैं उनके लिए ये जो बड़े केज है ना, इनके अंदर ऊपर वो टोकरियाँ तीन लगाई हैं। अब मेरा इरादा है ये इस साइड पे भी जो ऊपर ऊपर जो है और टोकरियाँ लगा दें, वो केज खाली हो जाएगा, उसमें कोई और परिंदे वगैरह ले आएंगे। तो इस तरह जो है टोकरियाँ वो दूसरे, ये तीन केज हैं, इतने बड़े बड़े हैं ये। ये देखो, ये तकरीबन 12 फुट इनकी लंबाई है और 6 फुट चौड़ाई है। ये जो मोरों वाला केज है, ये भी तकरीबन इतनी ही इसकी लंबाई है, 12 फुट लंबाई है। इस साइड पे भी, इस साइड से लेके इस साइड तक 12 फुट है, और ये उस साइड से लेके इस साइड तक जो है ये 6 फुट है। तो वो ऊपर जो है, इसमें भी मैं ऐसी टोकरियाँ लगा दूंगा, जो हमारे सराजी पिजन वगैरह है ना, वो उन टोकरियों के अंदर जो है अपने अंडे बच्चे करेंगे। तो इस वो दूसरा जो जिस केज में वो कबूतर रह रहे हैं, वो केज खाली हो जाएगा, उसमें कोई और परिंदे वगैरह ले आएंगे। ऐसे ही जो है वो दूसरा
दूसरा ये जो बड़ी डक्स का जो केज है, ये भी वैसी 12 फुट है, ये देख इसके भी ऊपर वैसी टोकरियाँ लगे हैं। ओए ना गुस्सा करो, मैंने आपको क्या कह दिया है, आराम करो। ऐसी टोकरियाँ लगाएंगे तो फिर ये जो सराजी कबूतर है ना हमारे, वो इधर ही अंडे बच्चे करेंगे। तो आप सभी चीज़ ने जो है दाना वगैरह खा ली है। तो गाइस मैंने ना जो सोचा है वो मस्जिद की जो बैक साइड है ना उधर जो है 30 फुट इस साइड पे लंबाई, बैक साइड पे जो आ रही दीवार के साथ 30 फुट, उधर जो है मुर्गियों के लिए ना केज तकरीबन 2x2 का केज जो है ना मैं उस साइड पे मुर्गियों के लिए लहता सेटअप बनाऊंगा। तो ये जो हमारे बड़े केज हैं इनके अंदर कुछ और परिंदे वगैरह लेके आएंगे। तो ये जो बड़ी डक्स हैं इनके लिए भी कई और इंतज़ाम इनका करते हैं, इनके लिए स्विमिंग पूल वगैरह छोटी और बड़ी डक्स के लिए बनाते हैं। तो एक में मोर वगैरह हो जाएंगे, एक में वो टर्की बर्ड हो जाएंगे, कुछ में एक में गैनी फूल हो जाएंगे। ये जो तीन बड़े केज हैं इनमें ये चीज़ें आ जाएंगी और छोटे जो केज हैं इनमें हम कुछ और चीज़ें रखेंगे। और ये देखो अब्दुलरहमान की जो है आज हमने टिंड करा दी है, ये देखो वो कैसे चुप रहा अपनी टिंड को लेके। और ये देखो हमारा जो ब्लैक तीतर है ये कैसे मस्तियाँ कर रहा है, ये भी मेरे साथ लड़ रहा है। यार ये जो ये मेल है वो आगे जो जा रही फीमेल है, ये मैंने नए मंगवाए हैं। तो ये जो है कबूतरों वाले जो केज हैं उनके अंदर, दोनों केजों के अंदर ही नहीं जाते, ये मुर्गियों के केजों के अंदर रहते हैं, पता नहीं इनको क्या मसला। तो ठीक है गाइज, इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और अपने परिंदों का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।